हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन। चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट देखें और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉरी, हाँ जी, तो देखें क्वेश्चन का गिवन पार्ट क्या है, मैं रीड कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन का गिवन पार्ट और इसका सॉल्यूशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन है, हमें कहा है विकास लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अगर 40 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो हमारी ऑथोराइज कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितनी हो गई जी? 4 लाख, ठीक है? तो 4 लाख हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल में। देन द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन के लिए कितने? 3 लाख, यानी इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आगे क्वेश्चन कहता है द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। जब पैसा देना होगा, जब इश्यू करना जा रहे हैं 3 लाख शेयर, तो उनका पैसा कैसे आना है? कहता है एप्लीकेशन पर आने हैं ₹3, अलॉटमेंट पर ₹5, फाइनल कॉल पर ₹2 आने हैं, ठीक है? नाउ पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स। तो देखिए ध्यान से, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी? ऑथोराइज कैपिटल थी, नंबर ऑफ शेयर्स में बात कर रहा हूं, 5 लाख, सॉरी 5 लाख लिख दिया मैंने गलती से, 4 लाख है ये। हाँ जी, तो 4 लाख शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, ठीक है? ऑथराइज के बाद इश्यूड, कंपनी इश्यू कितना करना चाह रही है? कंपनी इश्यू करना चाह रही है 3 लाख इक्विटी शेयर्स को, ठीक है? और सब्सक्राइब कितने किए गए हैं? सब्सक्राइब किए गए हैं हमारे पास 2,80,000 शेयर्स, 2,80,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी है शेयर ये, ठीक है? अच्छा, आगे क्वेश्चन कहता है ऑल मनी एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। ये जो 2,80,000 शेयर्स हैं, इन पर सारा पैसा आ गया, ठीक है? शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपेयर इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो हमें बताना है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि शेयर कैपिटल किस तरीके से दिखेगा बैलेंस शीट में, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर दिखाओ कि भैया उसमें जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा। तो आइए मेरे साथ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हम लोगों ने पहले ही बना रखा है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब पूरी बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का। तो ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन स्टार्ट करें यहां से, ठीक है? अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है जी विकास लिमिटेड, ठीक है? चलिए, अच्छा बैलेंस शीट कब बनाई जा रही है? बैलेंस शीट 31 मार्च को बननी चाहिए वैसे, बट इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दे रखी, तो हम इसे ब्लैंक रख लेते हैं, ठीक है? क्या रखेंगे इसे हम लोग जी? ब्लैंक रख लेंगे, एक मिनट बस। हाँ ठीक है, चलिए, वैसे 31 मार्च को बनेगी, ईयर नहीं बता रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है? अब हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा भी नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के डेटा को भी आप क्या करेंगे? फिलहाल के लिए ब्लैंक रखेंगे। हमें चाहिए शेयर कैपिटल का डेटा, यानी शेयर ऑफ कैपिटल में जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1, ठीक है? तो नोट नंबर 1 बनाते हैं, और नोट जो है, नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है? जो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हमें करना होगा, चेंज करना होगा, तो इसे हम कर लेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे पास सबसे पहला नोट है शेयर कैपिटल का। क्वेश्चन ने बताया है हमारी ऑथोराइज कैपिटल है 4 लाख इक्विटी शेयर्स। तो आइए 4 लाख इक्विटी शेयर ले लें यहां पे हम लोग, या चलो ये पेन दूसरा यूज कर लें। 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है? 10 रुपए का इक्विटी शेयर आ गया एक, तो हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा जी? ये आएगा 4 लाख × 10 करेंगे हम, तो 40 लाख आएगा। यहां पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 40 लाख रुपीज, ठीक है? चलिए, ये ऑथराइज कैपिटल आ गई, आपने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, और नीचे डबल लाइन लगाई है ताकि इसे नीचे की कैलकुलेशन में कोई कंसिडरेशन नहीं, ये बस प्रेजेंटेशन के लिए बताया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट कहती है या Schedule 3 कहता है कि भैया बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन ये आपने देनी है, ठीक है? तो ऑथोराइज कैपिटल बताई। अब इशूड कैपिटल भी क्वेश्चन ने बताई है कि इशूड कैपिटल कंपनी जो इशू करना चाह रही है, इनवाइट कर रही है लोगों को, वो कितने के लिए किया है? 3 लाख के लिए। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स, आइए 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है? तो 3 लाख 10 रुपए के हिसाब से कितने शेयर हो गए जी? ये हो गए हमारे पास 30 लाख रुपीज के। ये भी हमारे काम का नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा,
ये भी प्रेजेंटेशन पर्पज से दिखाया जाता है, 30 लाख के नीचे भी मैंने डबल लाइन लगा दी, यानी ऊपर की चीजें कोई कंसिडर नहीं होंगी, इसके बाद भी कुछ कंसिडर नहीं होगा इसमें से। आइए इसके बाद आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में। अब उसने कहा है सब्सक्राइब कैपिटल है 2,80,000 रुपए, और ये सारा का सारा पैसा जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल है, ये सब पैसा आ गया है 10 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर अगर सारा पैसा आ चुका है तो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में बाकी कुछ नहीं होगा। इस केस में ये चीजें लिखी है ना, ये नहीं डालेंगे आप, मैं हटा देता हूं इनको, ये लीजिए, ये लीजिए, इन्हें हटा दें यहां से हम लोग। एक मिनट बस मैं कट कर देता हूं। हाँ, इसके अलावा मुझे क्या हटाना है, ये इनके टोटल हटाने हैं, ठीक है, और यहां से भी अमाउंट हटा दें हम लोग, हम ऊपर लिख लेंगे इस अमाउंट को। हाँ जी, देखो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल है 2,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई जी, हमारे पास कैपिटल आ गई 28 लाख, ठीक है, तो 28 लाख क्या आ गई हमारी जी, कैपिटल आ गई जो कि बैलेंस शीट में जाएगी। तो 28 लाख रुपए जाने हैं ये वाले लास्ट, ठीक है, क्योंकि पैसा आया है रियलिटी में आपके पास, ऊपर वाले तो ऑथोराइज और इश्यू तो क्या था, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपने दे दिया। चलिए तो 28 लाख को ऊपर लिखे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में, तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप इसे, ये लीजिए, तो 28 लाख रुपीज आपने लिखना है यहां, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, ये लीजिए 28 लाख रुपीज, ठीक है। ये हमारा जो नोट नंबर 1 है वहां से ये डेटा आया, ये नोट्स टू अकाउंट्स हमने बनाया था, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, आ सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चैप्टर में ये शेयर वाला पार्ट आता है, तो इश्यू ऑफ शेयर में भी और हमारे पास यहां पर भी, इसका प्रेजेंटेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 जगह आने वाला है, तो एक बार पढ़ने से आपको 2 जगह मार्क्स मिल सकते हैं इसके। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर हम बताते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है।